क्लासरूम मैनेजमेंट का तीसरा मॉडल जो है वो टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग कहलाता है आइए देखते हैं कि इससे हमारी क्या मुराद है सबसे पहले तो ये जो मॉडल है ये टॉमस गॉर्डन ने 1977 में वो सामने लेकर आए थे और इस मॉडल में उन्होंने जो बिहेवियर मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी टीचर की बजाय स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दी है उनका ये कहना है कि जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम है वो तभी मुमकिन है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इफ़ेक्टिव बिहेवियर्स की मैनिफेस्टेशन इज़ देयर रिस्पांसबल्टी हर दफ़ा टीचर के लिए ये बताना ज़रूरी नहीं है कि वाट आर द राइट काइंड ऑफ बिहेवियर्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको यह ख़ुद मालूम होना चाहिए कि राइट काइंड ऑफ बिहेवियर्स क्या हैं अप्रोप्रिएट मैनरिज्म क्या हैं और जब वो क्लास रूम का हिस्सा बन जाते हैं तो क्लास रूम में बैठने के और क्लास रूम में बिहेव करने के क्या कवायद हैं तो so, ये तमाम नज़रियात जो हैं वो स्टूडेंट्स को ख़ुद मालूम होने चाहिए सो द बेसिकली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट हैज़ शिफ्टेड फ्राम द टीचर टू द स्टूडेंट्स तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे आर इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल एज पर एज बिहेवियर मैनेजमेंट इज कंसर्न गॉर्डन जो है वो ये भी कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू टीच स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर्स इसमें जाहिर है कि हमें स्टूडेंट्स को यह सिखाना पड़ेगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखें कि वट ऑफ़ बिहेवियर्स आर इमर्जिंग फ्रॉम दैम सो रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर्स जो है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इसके अलावा गॉर्डन जो है उनका यह कहना है कि वी शुड यूज इंटरसिक मोटिवेशन एज अचीव मीन्स टू रेगुलेट बिहेवियर्स हम बच्चों को इंट्रेंसिकली मोटिवेट करें और उनको ये बताएं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओनली डिस्प्ले गुड बिहेवियर्स इन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन यानी रिवॉर्ड्स के लिए या जो है वो अच्छी बात सुनने के लिए टीचर से वो सिर्फ जो है वो ख़ास रवैये क्लासरूम में ना लेकर आएँ वो अच्छा बिहेव करें क्योंकि वो अच्छा बिहेव करना चाहते हैं दैट इज़ वॉट वी कॉल इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में वो बिहेवोरियल गेंस के लिए वो रिवॉर्ड्स एंड प्रेस के लिए बात दे डिस्प्ले अप्रोप्रियट बिहेवियर्स और जब वो क्लासरूम से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो बिहेवियर्स जो हैं वो डिस्प्ले ना करें सो बिहेवियर्स गुड बिहेवियर्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स दे नीड टू बी इनक्रेज एंड देड टू बी मैनिफेस्टेड फॉर एन इंट्रेंजिक कॉज इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि हम स्टूडेंट्स को जो हैं वो आई मैसेजेस की तालीम दें आई मैसेजेस जो हैं वो क्या होते हैं आई मैसेजेस जो हैं इनका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर वो एक खास रवैया डिस्प्ले करेंगे तो इससे दूसरे पर क्या असर होगा फॉर एग्जाम्पल इफ दे मिस बिहेव इन द क्लास रूम हाउ वुड द टीचर फील और हाउ वुड

इंट्रेंजिक मोटिवेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और टीचर्स टू स्टेल स्टूडेंट्स ऑफ हाउ टू रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर्स हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा नज़रिया ये होता है कि स्टूडेंट्स शुड लर्न विद एन इंटरेंजिक मोटिव वो सीखें क्योंकि वो सीखना चाहते हैं वो इसलिए ना सीखें क्योंकि ये ये कुछ सीखने के बाद उनको ये मिलेगा दैट इज एन एक्सट्रेंजिक कॉज सो एक् इंट्रेंजिक मोटिवेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और ये जो मॉडल है ये स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि हम एक जिम्मेदार शख्स बनकर क्लास में बैठें जिम्मेदारी जो है दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स सो टीचर्स आर देयर टू मैंटेन बिहेवियर्स बट स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर पैटर्नस